भभूति जी आजकल टैक्सी ड्राइवर बन गए हैं। हाँ तो बेटे उनकी टैक्सी जो ऐसी खराब करनी है कि दुनिया का कोई भी मैकेनिक उसे ठीक ना कर पाए। हमने इंजन ना खोलो है। तो क्या खोल दिया तुमने? हमने इंजन के दो काम है, टैक्सी के ब्रेक खोल दिए। क्या भाभी जी, इसके ब्रेक फेल हो गए। औरत को हम नहीं जानते हैं। हाँ, ये आदमी को हम ना ही जानते हैं। आपको पता है हम कौन हैं? गई भैंस पानी में। ए भैया, कछु याद करने की कोशिश करो। कौन हो, का नाम है, करते का हो? कल मामा, हमरा का तो कुछ याद नहीं पड़ रहा है कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, हमारा नाम का है और हम करते कहाँ। हमरा तो कुछ याद नहीं पड़ रहा। क्या तू करते हो कि बस नल्ले हो? नल्ला 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 सबसे हमको कुछ याद आ रहा है। ये सब हम बहुत सुने हैं। नल्ला 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 सुने हैं हम। कोशिश करो याद करने की, कहाँ सुने हो। तुमको कछु याद आया था? कछु याद ही तो ना ही आ रहा है। सही पकड़े हैं? हैं? सही पकड़े हैं? का सही पकड़े हैं? का पता का सही पकड़े हैं? लेकिन ई जो तीन शब्द है ना, ई हमरी खुपड़िया में बहुत जोर जोर से चीख रहे हैं, बहुत जोर जोर से। ए भाई, तुमको कुछ याद आया? याद करने की कोशिश करो। अंगूर अंगूरा अंगूरी अंगूरी अंगूरी, ये सब से हमको कुछ याद आ रहा। ये सब ना हमारा दिल के बहुत नजदीक है। अंगूरी 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 हम बहुत बार सुने। तुमको इनाम कुछ जाना पहचाना लग रहा है का? कछु जाना पहचाना लग तो रहा है, लेकिन बुड़बक कछु सूझ ही ना ही रहा है। ये दुलारी, हमका सब समझ में आ गवा। ये जो मेहरारू है ना, इकरा नाम अंगूरी है। हाँ हाँ, हमको भी लग रहा है ये अंगूरी है। ए भाई, तुम चिंता ना करा, हमको सब समझ में आ गवा। क्या समझ गया कल्लू मामा? हमको समझ में आ गया है कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो। और आत्महत्या करने गए थे। हाँ। बच गए। अब हम तुमको मरने न देंगे, तुम्हारा हम विवाह करवा देंगे। विवाह? हाँ, चट मंगनी पट बिया। क्या बताऊं, बिबू को कुछ भी पता नहीं चल रहा है। बताने के साल में कहां है? मेरा दिल कह रहा है कि बिबू मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकता। और अगर बिबू भगवान ने कहीं मुझे छोड़कर चला गया ना मीनल, तो मैं भी इस दुनिया को अलविदा कह दूंगी। क्या तू कैसी बातें कर रही है? बिबू के बारे में अभी ऐसी कोई खबर नहीं आई है और तू मेरे लिए लड़का भी ढूंढ रही है। ऐसा तू कुछ भी मत कर, मैं विभू के अलावा किसी के बारे में सोच भी नहीं सकती। अरे खचड़ो, तुझे बाद में बात करती हूँ मीनल। ओके बाय। चाचा जी चाचा जी चाचा जी। हाँ, कुछ रहा कुछ रहा कुछ रहा। चाचा जी चाचा जी चाचा जी। कैसे गार्गल से कर रही है, साफ साफ बताना क्या बात है। चाचा जी, मुझे भी पूछ छोड़ के चला गया।
तुझे छोड़ कर चला गया, मतलब किसी पराई औरत के साथ भाग गया। देख बेटा, इसमें खचेड़ू का कोई कसूर नहीं है, ये तो हमारी खानदानी प्रॉब्लम है। विभू किसी औरत के साथ नहीं भागा है। विभू मुझे छोड़ के चला गया। मतलब अकेले आई भाग लिया बट्टा, जरूर तूने उसके साथ कोई ज्यादती की होगी। चाचा जी, आप मेरी पूरी बात सुनेंगे, अपने अंदाजे लगाते रहेंगे? अरे तो बता 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 चाचा जी, टैक्सी का ब्रेक फेल हो गया और वो गाड़ी जाकर किसी गहरी खाई में गिर गई। क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। चाचा जी रोना बंद कीजिए, चाचा जी रोना बंद कीजिए, चाचा जी रोना बंद कीजिए। विभू के बारे में ऐसी कोई खबर नहीं आई है, आप मातम मत बनाइए। पता नहीं कहाँ चला गया विभू। तो जा जाके जल्दी से कॉफी बना दे और खाना भी लगा दे मेरे लिए। लाती हूँ कॉफी। ले आ, ले आ। खचेड़ू ने इस बहू से छुटकारा पाने के लिए जरूर कोई नाटक किया है। मुझे तो लगता है अपने पड़ोस वाली उस गमट्टो के साथ भाग लिया हो। अगर वो ऐसा करता तो मेरे साथ ये बात शेयर जरूर करता। गोरी मैम घर पे हैं का? अरे यार, ये लंदन वाली चिरांद कहां से मरी आई? अरे दादा, चाचा जी नमस्ते। क्यों बे हवलदार, मुझे देख के तेरी शक्ल पे 12 से क्यों बज गए? ना ना चाचा जी, ऐसा बिल्कुल ना है। वो हम तो बड़े खुश हैं, आप क्यों आए? मैं क्यों आया? ना ना हमाओ मतलब चाचा जी आप कब आए? अरे मुझे आए तो जमाना हो गया, ये बता तू यहाँ क्यों आया है? अब क्या बताएं चाचा जी, आपको तो पता ही हुए भैया विभूति जी जा दुनिया छोड़ के दूसरी दुनिया में शिफ्ट हो गए। तो तू क्या खचेड़ों के साथ दूसरी दुनिया में चाय समोसे खा के आ रहा है? ना ना हम तो यही दुनिया से आ रहे हैं। तो फिर तुझे कैसे पता लगा कि खचेड़ू दूसरी दुनिया में चला गया है? अरे चाचा जी, भैया विभूति की टैक्सी जौन सी खाई में गिर गई हती ना, इतनी गहरी खाई हती कि क्या बताएं, जो ससुर आज तक गिरो है बामे जिंदा ना बचो है। उसकी बॉडी मिली? बॉडी ही तो नहीं मिली, नहीं तो सारो टंटो खत्म हो जाते। ना ना चाचा जी, असल में बात का है कि खाई में इतना तेज बहाव था पानी को कि बॉडी पता नहीं कहाँ बह के कहाँ चली गई। हुए तो तुझे यहाँ क्या घुइयां छीलने के लिए रखा गया है? तू ढूंढता क्यों नहीं है? अरे कैसी बातें कर रहे हो, हम तो दिन रात ढूंढ रहे हैं। दिन रात ढूंढ रहा है? तू यहाँ बैठ के मेरे सामने बकवास कर रहा है? ना ना चाचा जी, आप गलत समझ रहे, हम असल में कहा ड्यूटी जा रहे थे, हमें लगो तनक गोरी मैम की हाल चाल ले ले। गोरी मैम जा टेम पे भैया विभूति नहीं रहे, कैसू फील कर रही हूँ मैं। तू उसकी फिक्र क्यों कर रहा है? वो क्या तेरी बहन लगती है? ना ना चाचा जी, हमा मतलब जो ना है वो हमा मतलब असल में जो है मतलब की बत्ती बना के पीछे वाली जेब में घुसेड़ ले। तेरी बहन की फिक्र करने के लिए मैं यहाँ बैठा हूँ। अरे तो आया बड़ो, ले लीजिए। अरे वाह बेटा वाह, कौन आया था चाचा जी? अरे वो हवलदार आया था, बेकार की बकवास कर रहा था। अरे सुन बहू, तो बिल्कुल भी
टेंशन मत ले, ऊपर वाले पे भरोसा रख बस। अब तो ऊपर वाले का ही भरोसा है चाचा जी। देखिए ना चाचा जी, क्या हो गया ये सब। बहुत भूख भी लगी है, जाके खाना लगा दे जा। जालिम, हमने चंद रुपयों के खातिर दो लोगों की जान ले ली, तू देख लीजो भगवान हमें नरक में भी जगह नहीं देगो। हाँ यार, चंद सिर्फ चंद रुपया की लालच में हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी यार, भ्रष्ट हो गई थी यार। अब बंद कर ससुरी जा गराज को, हमें ना चलाना कोई गराज पर आ रही। अरे पांडे जी, जब ने छावर लाइए तो काम काय ना करेंगे आपको, समझो काम हो गो, आज हमारा स्कूटर मिल जाएगो, काम हो जाएगो। रखो फोन, रखो रखो, परेशान हो रहे बाल्टू। और लौंडो भैया, आज कौन बहानू ना कर दियो, आज हमें स्कूटर चाहिए तो चाहिए, समझो हमारे सारे काम रुके यार। कहाँ है हमारा स्कूटर? क्यों वे लांडो कमीनो, लालची कुत्तों, हत्यारों, तुम लोगों ने मेरी एक भाभी माँ के सिंदूर को पोंछ दिया और दूसरी भाभी माँ की हत्या कर दी, अब मैं तुम लोगों की हत्या कर दूंगा। आई लाइक इट। मेरी भाभी माँ, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती मेरी माँ। दरगा जी, आप तो इस समय झाकड़गढ़ी जाते हैं ना, जरा अपने स्कूटर से लिफ्ट दे देंगे, झाकड़गढ़ी जाना है मुझे। तो मैं स्कूटर चलाने आता हूँ? हाँ आता है। जो रहा हमारा स्कूटर इनके गैराज में दो तो हमने इंसान ने उनकी अस्थि पंजर खोल के बोरा में भर दो। I like it. I like it. ये कैसे हो गया चाचा जी, ये कैसे हो गया? अरे वही तो मैं शॉक में हूँ, कैसा कैसे हो गया? हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा, आखिर ऐसा कैसे हो सकता? कहीं ऐसा तो नहीं है ऐसा कुछ ना हुआ हो और ऐसा वैसा हो गया हो? नहीं नहीं, ऐसा वैसा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी अंगूरी ऐसी नहीं है। ना कि हमारा कचेड़ू भी ऐसा नहीं है। कभी कभी ऐसे हालात होते हैं कि इंसान ऐसा वैसा हो जाता है। देखिए आप ऐसा वैसा कह के हमें दुखी मत कीजिए। अरे मैं कहाँ कुछ कह रहा हूँ, मैं तो अपना दिल बहलाने के लिए कह रहा हूँ। भगवान करे ऐसा ना हो, भले ही वैसा हो जाए। लेकिन अगर ऐसा वैसा हो गया तो फिर हम कैसे रहेंगे? और अगर ऐसा हो गया तब तू कैसे रहेगा?
अगर ऐसा हो गया तो हम तो मर ही जाएंगे। और अगर वैसा हो जाए तो दूसरी पकड़ लेना। चाचा जी प्लीज मत रोइए। अरे यार अब अगर ऐसे रोएंगे तो फिर तो हम टूट ही जाएंगे। अरे क्यों ना रो, मैं 20 करोड़ की है वसीयत उसके नाम करके आया हूँ, बता ये किसको दूँ? ये भरने वाला भैया कॉल ले रहा है। अरे पूरी, अरे तुम चलो। विभो आ गया, मेरा विभो आ गया। ए मच्छर का है? हाँ का है, हाँ का है, हमसे चिपक रहे हैं, हमको का ऐसा वैसा समझे हो तुम? ठीक कहा कर रही हैं आप, कहा छूछू का बात कर रही हैं आप बहन जी? अरे भाई हम मुच्छड़ नहीं, हम तुम्हारे पति हैं। विभो तुम मुझे बहन जी बोल रहे हो? आप हमारे बहन की उम्र के हैं तो आपका बहन जी नहीं कहेंगे तो आंटी जी कहेंगे? वही कैसा भद्दा मजाक कर रहे हो मेरे साथ विभू? पता है तुम्हारे जाने के बाद मेरा रो रो के कितना बुरा हाल हो गया था, और अब तुम वापस आने के बाद मुझसे ऐसा मजाक कर रहे हो? ओ बहन जी जरा दूर हटिए, अब क्या कर रही हैं आप? घटिया मजाक कर रही हैं हमरे होने वाले पति के साथ? व्हाट? तुम्हारे होने वाले पति? ये तुम्हारे होने वाले पति नहीं, हम हैं तुम्हारे हो चुके पति। अपने औकात पर आ। तो हमारे होने वाले जोरू का हो चुका पति कैसा हो सकता था? ये तुमको जानती नहीं पहचानती नहीं, तेरी शक्ल नहीं देखिया, कहा बोलना आप है? देखा मैंने, कहा था जरूर कुछ ऐसा वैसा हो गया है। अरे चाचा जी ऐसो वैसो कछु ना भाव है, असल में बात ऐसी है कि इन दोनों की याददाश्त टैम बोल गई है। Oh my God, इन दोनों की याददाश्त चली गई है? अरे गोरी मैम शुक्र करो कि याददाश्त ही टैम बोली है, ये दोनों टैम ही बोल गए, नहीं तो आपको पता है ऐसी गहरी खाई में गिर के कोई आज तक जिंदा ना बचो है। एक मिनट, अगर ऐसा कुछ है ना तो मैं अभी इसकी याददाश्त वापस लाता हूँ, देखो करो करो। ए कचेड़ो, अरे मैं तेरे लिए 20 करोड़ की वसीयत लेके आया हूँ, तेरे नाम की है मैंने। ए ब्रो, तो हमारे लिए 20 करोड़ का वसीयत बना के लाया है? तेरा देखे दिखाओ। अरे ये ले। देखो वसीयत, ये वही वसीयत है जिसके लिए हम दोनों इतना ललचाते थे। देखो देखो आज हमारे हाथ में है। देखो इसमें नाम लिखो, विभूति नारायण मिश्रा। देखो देखो 20 करोड़। देखा मैंने कहा था ना, वसीयत देखते ही इसकी याददाश्त वापस आ जाएगी। वसीयत 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 सी सी का सकल लेकर घूम रहा है और हमसे कह रहा है कि 20 करोड़ का बसियत लेके आया, पकड़ा गया क्या बबड़ाऊ? याददाश्त वापस आई नहीं। घर चलो, तुम्हारी याददाश्त तो मैं वापस लेकर आऊंगी, चलो घर। अरे बहन जी, अंगूठी 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 अंगूठी। चलो पगली तुम भी अब घर चलो। ए मुच्छड़, तुमको बोल रहे हैं बार बार हमरा हाथ नहीं पकड़ो। हाँ अरे नहीं पकड़ेगी मोरी अम्मा, आओ घर चलो आओ। हाँ चल रहे हैं आओ। तो चाचा जी देख लो फिर ससुर, सब भूले बिछड़े सब मिल गए ना, तो जय खुशी में अपने भतीजे पे कछु निछावर करके हमें दे दो, अकेले दम पे आप पूरा केस हल कर दो हमने। कोई हल कर दिया है? याददाश्त चली गई है दोनों की, अगर लाना ही था तो याददाश्त ठीक करवा के लाता।
अरे चाचा जी कैसी बातें कर रहे हो आप? अरे हम दरोगा हैं, डॉक्टर थोड़ी हैं जो याददाश्त भी सही कर देते। अरे शुक्र मनाओ जिंदा वापस ले आए। तो ठीक है ले आओ। ले अपनी नचावर। चाचा जी आधे वो फटे भाई नोट को क्या मतलब है ससुर? जब ये आधे वापस आए हैं तो आधा ही नोट मिलेगा। तो ऐसा है चाचा जी, जब फटे भाई आधे नोट की बनाओ बत्ती और अपनी पीछे वाली जेब में घुसेड़ लो। ले ओ। अरे दादा दो गई ससुर। अरे यार जो तुम वापस लौट आओ।